हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडअप इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आप अपना जो है कि गैस सब्सिडी कितना आया मोबाइल में, किस बैंक में आया, सिर्फ मोबाइल नंबर से पता करेंगे, सिर्फ मोबाइल नंबर से और अपने मोबाइल में पता कर पाएंगे। आपको कंज्यूमर नंबर या अपना पूरा एड्रेस या फिर अपना गांव पता सब चीज़ कोई भी चीज़ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मोबाइल नंबर डालना है। वो मोबाइल नंबर डाला है जिस मोबाइल नंबर पर बुकिंग के समय आपको मैसेज आता है, सारा डिटेल आता है। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं ये सब कैसे हो रहा है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया मौर्या, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टैंडअप इंडिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, अपने करीबी रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि वो भी जो कि इस वीडियो को देखकर वो भी चेक कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों सबसे पहले लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, लाइक करने से हमें कुछ मिलता नहीं, लेकिन मोटिवेशन आप मुझे ज़रूर मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा है, उसे क्लिक करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर दें। और बगल में आए एक छोटा सा घंटी होगा, बिल्कुल छोटा सा, इसको ज़रूर दबा देंगे। इसको दबाने से दोस्तों, जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आपको नीचे यहाँ पर जाना है, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो यहाँ पर आपको लिखना है आई लव दिस वीडियो या फिर नाइस वीडियो या फिर जो भी आपके दिल में मन हो उसको आपको पब्लिक कमेंट कर देना है दोस्तों। उसके बाद अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करके दोस्तों को व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में आपको ये पेज खोल लेना है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है और लिंक कहाँ मिलेगी। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर तीन सिलेंडर दिखा रहा है, इंडियन, HP और भारत। तो यहाँ पे जो कि मेरा सिलेंडर जो कि भारत का, तो यहाँ पर मैं भारत वाले सिलेंडर पर क्लिक कर, जो आपका सिलेंडर आएगा उसी सिलेंडर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गिव योर फीडबैक ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे लिखा आर यू भारत कंज्यूमर, तो यहाँ पे यस पे टिक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंटरेक्शन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे प्लस पे वाले पे आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर इंटरेक्ट टाइप का एक ऑप्शन लिखा, तो यहाँ मैं फटाफट जो कि अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के ओके कर दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं डालना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना, ऑटोमेटिक सारा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटरेक्शन टाइप, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लीज शेयर द सेम कंटेंट डिटेल फॉर फ्यूचर कर, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर करेंगे आपको सारा डिटेल ऊपर की तरफ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सारा डिटेल यहाँ पे आ गया, हाउस नंबर, नाम, सब चीज, बैंक डिटेल वगैरह सारा यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सब्सिडी जो कि कितना मिली है। यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर लिया गया था, यहाँ 376 अमाउंट सब्सिडी आई थी और बैंक ऑफ इंडिया में आया था, डिलीवर्ड हो गया वो भी 19 अक्टूबर को। उसके बाद 18 को लिया गया था अगस्त में, 239 रुपया सब्सिडी यहाँ पे आई थी। तो इस प्रकार आप सारा सब्सिडी यहाँ पे देखिए आप चेक कर सकते हैं पूरा, जो कि कब कब आपको सब्सिडी किस बैंक में और कितना आया है। तो दोस्तों इस प्रकार आप HP भारत या किसी का भी कर सकते हैं, सिर्फ मोबाइल नंबर मैंने डाला, सारा डिटेल आ गया। तो दोस्तों जो आप पहले वाला जो तरीका जानते थे वो बिल्कुल जो कि पुराना तरीका था, ये जो मैंने बताया बिल्कुल नया तरीका है, सिर्फ मोबाइल नंबर डालकर आप डिटेल लगा रहे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।